तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी ऐप के बहुत ही कमाल के फीचर्स बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही कमाल के यूजफुल टिप्स या हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सैमसंग गैलरी को और अपने टास्क को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। क्या ये फीचर है, कहाँ मिलेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना और मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के हिडन फीचर्स के बारे में। तो उसके लिए चले आना है आपको यहाँ पर गैलरी ऐप में। गैलरी ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आएंगे आप एल्बम वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको हिडन फीचर बताने वाला हूँ। सबसे पहला हिडन फीचर तो यही है कि इसके अंदर आप यहाँ पर गैलरी में जो एल्बम है उसको लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि गैलरी में आपको लॉक करने का ऑप्शन मिल गया और आप यहाँ से यूँ करके लॉक करके उसको एक्सेस और डिनाई कर सकते हैं। ये चीज सबसे पहले ऑप्शन है। तो उसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, जिस ऐप पे लगाना है या जिस फोल्डर में लगा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और यहाँ पर मिलेगा आपको लॉक वाला एल्बम। तो आपको यहाँ लॉक एल्बम पे क्लिक कर देना है और वो फोल्डर वहाँ पर लॉक हो जाएगा। जब भी आपको उसको एक्सेस करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ही वो ओपन हो पाएगा। तो सबसे पहला जो है वो ये दिया गया है। आप सेकेंड फीचर की बात करें, और जो सेकंड फीचर की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ से जो फोल्डर है यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं ताकि इजीली किसी को नहीं मिले। जैसा कि मान लो कोई यहाँ से अगर एल्बम में आएगा तो उसको फोल्डर और ना मिले, उसके लिए उसको स्पेशल यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ही जाके उसको सारे फोल्डर मिले। आप देख सकते हैं कितने सारे फोल्डर हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिमिटेड ही मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कोई फोल्डर को ऐसा करना तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर को चले जाना है जिस फोल्डर को आपको करना है। उस फोल्डर पर जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, सॉरी आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मूव फ्रॉम एल्बम टैब टू व्यू ऑल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो वो वहां से चला गया और जब भी आपको उस फोल्डर को देखना होगा तो आपको यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा तो ही आप उस फोल्डर को यहाँ पर आप देख पाएंगे, नहीं तो वो फोल्डर आपको नहीं दिखेगा। तो ये चीज भी बहुत शानदार दी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें एक और कमाल की चीज की, वो है बहुत ही शानदार। आप देख रहे होंगे ये मेरी गैलरी है, मेरी गैलरी की फोटो है, बगल में वहां पर आपको ए बना हुआ दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं ऐसे ही, अगर इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको ए बना हुआ दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे ये ए बना हुआ, ए मतलब क्या है। अब इस ए वाले फोल्डर में क्या होगा कि अगर मैं कोई फोटो को डिलीट भी करना चाहूंगा ना तो वहां डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं क्लिक भी करके रखूंगा तो भी यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये ए जो ए वाला फोल्डर है इसका जो मतलब जहाँ ए बना हुआ है उसका काम ये है ऑटो वाला। अब ये ऑटो वाला काम कैसे, मान लो अगर आपको इसमें से कोई फोटो को रिमूव करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर रिमूव कर दिया और फोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको वही फोटो दिखेगी जिसको आपने यहाँ पर एड ऑन करके रखा है। कैसे, यहाँ जाएंगे थ्री डॉट्स में, यहाँ एल्बम सेटिंग में, यहाँ पर जैसे कि मैंने सेट कर रखा ऑटो ऐड पिक्चर एंड वीडियोस। जैसा कि मैंने अपनी फोटो पे अपना नाम लिखा हुआ है और जैसे ही मैं कोई नई भी फोटो डालूंगा मेरे नाम मेरी फोटो मैच करती हुई वो ऑटोमेटिक इसके अंदर शो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है टू पीपल। अब आपको भी ऐसी अगर बनानी हो, ऐसा फोल्डर आपको ही बनाना है तो आपको करना क्या, यहाँ जाना है प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑटो अपडेटिंग वाला एल्बम। आपको दिख रहा होगा क्रिएट एन एल्बम दैट ऑटोमेटिकली कलेक्ट पिक्चर फ्रॉम पीपल यू सेलेक्ट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें नाम डाल देना है जो भी आप नाम डालना चाहो। उसके बाद वहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी फेसेस होंगे आपके मोबाइल में सब खुल जाएंगे। आपको जिस फेस का या जिस बंदे के लिए बनाना है कि उसकी स्पेशल फोटो वहां पर आ जाए, तो मैंने यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही डन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूंगा मेरा फोल्डर यहाँ पर बन गया है और जितनी भी मेरी फोटोज होंगी वीडियोज होंगी सब ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई है। आप देख सकते हैं और इसके आगे आप देख रहे होंगे ए बना हुआ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ए बना हुआ दिख रहा है जो कि आपके सामने भी मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। तो ये फीचर सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे यार, ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी, आपकी फेस की फोटो आप इजिली वहां पर ढूंढ के कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार फीचर है। मुझे सबसे बेस्ट फीचर जो है ना यही वाला लगा। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट फीचर की, जो कि दोस्तों लास्ट फीचर यह है। मान लो कि हमें इस फोटो से या कोई सी भी हमें ऐसी फोटो है जिसमें से हमें खाली मेन फोकस या बोल सकते हैं किसी बंदे की फोटो को निकालना है या स्टिकर में निकालना है या फिर बोल सकते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करना है, सिर्फ फोटो फोटो को निकालना है, तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत होती थी। बट इसमें आपको बहुत शानदार ऑप्शन मिलता है जिससे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है इस फोटो को। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जिसका नाम है लैसो, आपको उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है
और यहाँ पर आपको कर देना है सिंपली ऐसे यूँ ड्रैग करके आपको जिस जिस एरिया को सिलेक्ट करना है सिंपली आपको यूँ करके यूँ ड्रैग आउट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर उसको ड्रैग आउट करेंगे आपको बस आपस में इनको मिला देना है। जैसे ही ड्रैग आउट करेंगे आप देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली पूरी लाइन क्लिक कर ली है और सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो आ गया है और थोड़ा सा साइड का आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट मैनुअली करें और सेलेक्ट मैनुअली करने के बाद उसको यहाँ से पूरी तरह से सही कर लीजिए तो आप यहाँ पर अपना एक अच्छी खासी फ़ोटो कर सकते हैं विदाउट आप अपना बैकग्राउंड क्या बोल सकते हैं विदाउट भी आपका विदाउट एनी कोई सी भी है आप अपने उससे मोबाइल से ही बैकग्राउंड डेटा बैकग्राउंड पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये फोटो तैयार हो गई है। आप इसमें कुछ आउटलाइन भी देना चाहें तो यहाँ पर आप अपनी आउटलाइन भी दे सकते हैं और यहाँ डन करके बस आप डन करेंगे और ये आपका स्टिकर सेव हो जाएगा या डन कर सकते हैं या बोल सकते हैं आपका ये फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी जिसकी आप कहीं भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं चाहे आप पोर्ट्रेट में चाहे स्टिकर्स में या कहीं भी आपको लगाना हो तो इस PNG का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ गैलरी के कमाल के हिडन फीचर्स थे। 3 से 4 और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स तो इसमें बहुत सारे हैं पर जो कमाल के हिडन फीचर्स हैं ना वो यही हैं जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लेना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।